द इनविजिबल मैन चैप्टर 20 हिंदी समरी। ग्रिफिन ने पैसे चुराए थे जिस वजह से उसके पिताजी मर गए थे, पर उसे इस बात का कोई अफसोस न था। वह कहता है कि उनकी अपनी गलती थी, वो खुद की गलती से मरे थे। ग्रिफिन डॉक्टर कैम्प को बताता है कि उन तीन किताबों में ही सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। उसने पहले प्रयोग सफ़ेद ऊन पर किया था और वह सफल हो गया। उसने अगला प्रयोग घर की बिल्ली पर किया पर वह लगभग असफल हो गया क्योंकि बिल्ली के पंजों और आंखों के पीछे मौजूद टेप्टम पिगमेंट अभी भी दिख रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उस बिल्ली को खोजते खोजते वहां आ गई। उसे शक था कि वह जानवरों पर कुछ प्रयोग कर रहा है। अगले दिन मकान मालिक किराया लेने आया और बूढ़ी औरत ने मकान मालिक को सब कुछ बता दिया। इससे मकान मालिक परेशान हो चुका था और वह ग्रिफिन से बात करने लगा और अंदर झांक कर सारा सामान देखने लगा, पर यह सब ग्रिफिन को पसंद नहीं आया और उसने धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मकान मालिक से लड़ाई के बाद वह पूरी तरह से परेशान हो गया। वह समझ गया था कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके तो सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे। उसने तीन किताबों को और चेकबुक को पोस्ट ऑफिस में भेज दिया ताकि बाद में उसे वह कभी भी ले सके, और उसने अदृश्य होने वाला फॉर्मूला अपने ऊपर प्रयोग कर लिया। और जब मकान मालिक कानूनी नोटिस लेकर आया तो ग्रिफिन दवा के असर में था, इसलिए मकान मालिक उसका डरावना चेहरा देखकर भाग गया। पूरी रात उसे दर्द और जलन होती रही। ग्रिफिन ने सारे यंत्रों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और लोग दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाते रहे। अंत में जैसे तैसे लोग दरवाजे के अंदर आए, पर देखते हैं वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। लोगों ने मोटर देखकर सोचा शायद वो बिजली पे काम करता होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड